लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सीबीआई को भेज के हम लोग को धमकी दिलवाना चाह रहे हो? स्पष्ट कर दिया है कि जो 14 में आए थे वो 24 में रहेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पर भी ऐसा ही सीबीआई वाला लुबलुबा के आता था। सुशांत सिंह राजपूत इसी बिहार का बेटा था, कहाँ है सीबीआई? और अपने बिहार के नित्यानंद राय जी जिनके ऊपर 12 केसेस हैं, कहाँ है सीबीआई? कार में शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना के जेडीयू मेंस कॉलेज के गली वाले रोड में हूँ और यहाँ पे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का आवास है और सुबह 8:30 बजे से यहाँ सीबीआई का छापा चल रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा यादव, जो छोटा लालू के नाम से ज़्यादातर फेमस है, पूरे भारत और बिहार में छोटे लालू के नाम से फेमस है। प्रधानमंत्री जो देश और बिहार के लोगों के साथ जो ये गलती कर रहे हैं, सीबीआई को गलत उपयोग करके भेज के, जब बिहार के नौजवान और छात्र रोजगार दवाई सिंचाई इस पर बात किया, तो आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है एक तरफ विधानसभा में, और आप सीबीआई को भेज के हम लोग को धमकी दिलवाना चाह रहे हो? ये बिहार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 14 में आए थे वो 24 में रहेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कैसे सरकार आ गया, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी को पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए सीबीआई को तोता बना करके, आरएसएस के तोता एजेंट बना करके यहाँ पर बिहार में घर घर होम डिलीवरी करवाते फिर रहे हैं। मतलब सीबीआई को होम डिलीवरी करा रहे हैं, इन लोग का कोई वैल्यू है? जो आरएसएस का तोता हो जाए और गरीब नौजवान किसान का बात करने वाले लोगों पर, जिसको रोजगार की बात हम लोग कर रहे थे, उस पर ये छापा मरवा के धमकी दिलवा रहे हैं, इससे हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे नेता गरीबों दलितों पिछड़ों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पर भी ऐसा ही सीबीआई वाला लुबलुबा के आता था और आते रह गया। सारी देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं वो भाजपा का व्यक्तिगत जांच एजेंसी हो गया है। तो हमारे जब नेता नहीं डरे तो हम लोग डरने वाले हैं। सीबीआई होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, क्योंकि 24 में आपको हम लोग बेहोश करने का काम करेंगे। अब बिहार से आधा इंजेक्शन दे दिए हैं। तो यही सब देख करके अलबलाया हुआ है वर्तमान सरकार जो केंद्र में है। अच्छा एक सवाल, 8 दिन पहले सरकार बनी है और 8 दिन पहले भी सीबीआई देश में था और ईडी था, लेकिन उसके बाद जो है ये छापा मारना, ये नियति पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि ये नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, कैसे गरीब विरोधी सरकार है। देखा कि कैसे सरकार आ गया, सरकार आ गया तो इस सब को देखते हुए इनको पेट में दर्द हो गया कि गरीब का कैसे सरकार आ गया। तो इन सब चीजों पर सोचना चाहिए इनको, यही है। चलिए, थैंक यू आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।